Hi friends, I am Harwinder Singh Grewal, owner of Grewal Pet Shop and Farm. So friends, आपके लिए good news है. आपको new look में बिल्कुल updated आप हमारी website में आप open कर सकते हो, shopping कर सकते हो. आप जहाँ भी India में बैठे हो, हम बाकी का सामान जो भी आप order करोगे, आपके घर में हम पहुँचा देंगे. Hi friends, आज का topic है Siberian Husky के बारे में कि ये breed कैसी है. बकायदा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कैसे इंडियन वेदर में रह सकती है या कैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वैसे जितना मैं सर्च किया इसके बारे में तो ये ब्रीड्स वैसे वी प्राउड कि ये एशियन ब्रीड है, लेकिन रशिया और अमेरिका अपना अपना दावा कर रहे हैं कि ये हमने इसको डिस्कवर किया एक्सेट्रा, बट रियल ये एशियन ही ब्रीड है, वो एशियन से डिस्कवर किया हुआ है. साइबेरियन हस्की, साइबेरिया इसके ऐसे जुड़ा क्योंकि साइबेरिया वेदर में ये बहुत अपने आप को अडॉप्ट किया. वहाँ का टेम्परेचर राउंड 30-40 डिग्री माइनस पर चला जाता है और ये ब्रीड उस वेदर में भी बड़े आराम से रह सकती है. जैसे आप सब जानते हो, आई हैव वन बेला साइबेरियन हस्की. तो ये मोस्टली तीन कलरों में आते हैं. एक तो है ये बेला गोल्डन एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट भी है, वाइट कलर में भी आते हैं. और ये जितना मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा तो आप इसको अपार्टमेंट में रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए क्योंकि इसकी श्रेडिंग बहुत होती है साल में दो बार, और इतनी ज़्यादा होती है कि विद इन वन वीक लगभग टोटल बाल चेंज हो जाते हैं. तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी ग्रूमिंग में करना पड़ता है वीक में एक बार, ब्रशिंग प्रॉपर, देन खाने के मामले में बिल्कुल नो प्रॉब्लम. खाने इसको बहुत कम खाना भी मिले तो भी ये बड़े आराम से सर्वाइव रह सकता है. लेकिन आप इसको अकेला अपार्टमेंट में छोड़ नहीं सकते, अकेला अलोन. अगर आप इसको केजिंग करोगे तो मच बेटर, नहीं तो अगर ओपन छोड़ोगे तो आप जब वापस आओगे तो काफ़ी चीज़ें ये तोड़ चुका होगा. ये ब्रीड सोशलाइज कर सकते हो आप बड़े आराम से, लेकिन चाइल्डहुड से ही ट्रेनिंग, अगर आप इसको दूसरे महीने से बेसिक ट्रेनिंग घर में और तीसरे महीने से ऐसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग दोगे तो नो डाउट ये बड़े आराम से अडॉप्ट कर लेते हैं. बाकी हाँ, इंडियन वेदर में, आई एम लिविंग नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ सर्दियों में तो टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग बहुत रहता है. लगभग 4-5-6 महीने आप इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा पंजाब का टेम्परेचर, जैसे बेसिकली आई बिलोंग टू आदमपुर, तो यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट -0, 1-2-3 डिग्री तक बहुत समय, 2-3 महीने लगभग टेम्परेचर मेंटेन रहता है, 10 से कम, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जैसे समर आएगा जिसका टेम्परेचर यहाँ का 30 हो जाता है तो फिर इसके लिए स्पेशल एक, जैसे हम घर में कूलर यूज़ करते हैं वाटर वाला, तो इसके केजेस जहाँ यहाँ मैं रखता हूँ इसको कमरे में, तो इसके लिए एक स्पेशल कूलर भी आप दे सकते हो, तो वो भी आप रख सकते हो इस टाइम में एक कूलर के साथ, तो कोई मुश्किल नहीं उसमें आएगा आपको. एंड देन कुछ सारे लोग डरते हैं कि ये रह पाएगा, नहीं ये रहता है. आई हैव ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर मेरे पास और काफ़ी हेल्थी है, काफ़ी फ्रेंडली ब्रीड है, एक्टिव बहुत ज़्यादा है, प्यार करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन इट्स अ वेरी वंडरफुल ब्रीड. इनके मोस्टली क्या है, इनके आँखों का कलर ब्लू होता है. कभी कभी एक ही डॉग में दो अलग अलग आँखें, जैसे कि बेला की गोल्डन और ब्लू, और कभी कभी लेफ्ट एक ब्लू होगी और एक गोल्डन होगी. तो ये ब्रीड मोस्टली जैसे हमारे यहाँ ग्रे हॉन्ड की रेसिंग होती है, तो आइस जिन कंट्री में स्नो पड़ती है ना वहाँ भी रेसिंग होती है इनकी, तो ये ब्रीड मोस्टली उस रेस में काफ़ी माना जाता है इसको, और काफ़ी ये चैम्पियन है साइबेरियन हस्की उस रेट में. तो इनका स्पीड वाह बहुत बढ़िया, वो मैं कहूँगा. लेकिन जब भी आप इसको वॉक पर लेकर जाओ तो कभी भी भूल कर भी इसकी लीश ओपन मत करना, नहीं तो आप इसको पकड़ नहीं पाओगे और ये आइडेंटिटी भगवान ना करे एक्सीडेंटली किसी से टकराए, और इसको पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल है. वो छोटी ब्रीडों के पीछे भागेगा, अपने आप को हर्ट कर लेगा या किसी को हर्ट करेगा मोस्टली. इसका एक और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये डॉग कभी भी गार्ड डॉग की तरह काम नहीं करते. ये मोस्टली डॉग हमेशा ही एक अपने आप को आउल करना बहुत पसंद है, लेकिन इंडियन लोग उसको बहुत बुरा मानते हैं कि शायद इसको कोई, जैसे कुछ गांव खेड़े में लोग हैं जो मानते हैं कि अगर डॉग आउल करेगा तो विच मीनिंग कि उसने कुछ गलत चीज़ देखी, कुछ स्पिरिट वगैरह, लेकिन ये डॉग नॉर्मल ही आउल करते हैं. तो कुछ लोग इसको बुरा मना मान सकते हैं लेकिन रियलिटी में है नहीं, इनका बिहेवियर ही ऐसा है. बार्क बहुत कम करेंगे. एंड बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि कलर में, ये प्योरिटी में मेरे समझता नहीं कोई इसको मिक्सिंग करेगा क्योंकि ये तीन ही कलरों में आता है, वाइट, ब्लैक एंड वाइट एंड गोल्डन. और अभी नॉर्थ इंडिया में तो ये ब्रीड काफ़ी मानी जाती है. इसका प्राइस प्रोफेशनल ब्रीडर या कोई है आपके एरिया में पेट शॉप वाला, उसी से लीजिए क्योंकि ये ब्रीड कुछ 30,000-40,000-50,000 तक है, डिपेंड क्वालिटी. तो अगर आप इतना अमाउंट बड़ा खर्च करोगे तो बी केयरफुल एंड डबल चेक. एंड ये ब्रीड काफ़ी फ्रेंडली है, अभी कोई श्रेडिंग नहीं है इसके. तो
आप प्राउड करोगे, ये ब्रीड के ऊपर वीडियोस भी हैं खासकर कार्टून करेक्टर में, एनिमेशन में, तो काफ़ी पसंद किया जाता है इस ब्रीड को नॉर्थ इंडिया में, दिस टाइम इज़ बूमिंग। तो माई फ्रेंड्स, अगर आपको है, अगर आपका प्लानिंग तो बड़ा घर है आपका, मॉर्निंग स्पेशली आप अपार्टमेंट में, मैं एक बार फिर कहूँगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप इसको वॉक पर ज़रूर लेकर जाइए सुबह शाम, हो सके हफ्ते में एक बार रनिंग कराइए, लॉन्ग रनिंग जितनी भी आप मैनेजेबल कर पाओ, तो ये फिट रहते हैं। ओवरवेट मत कीजिए, क्योंकि ये ब्रीड मैं एक बार फिर कहूँ बहुत ही लेस फीडिंग पर रह सकती है बड़े आराम से। अगर आप इसको ओवर फीडिंग करोगे तो वेट गेन कर जाएंगे, तो आपको मेडिकल इशू के फेस करने पड़ेंगे। लेकिन बी श्योर, जब भी आप ये डॉगी लो, किसी प्रोफेशनल ब्रीडर एंड या किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी अबाउट साइबेरियन हस्की। हैव अ नाइस डे फ्रेंड, थैंक यू। फैन ऑफ द मंथ में हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है, इस बार एक न्यू टॉपिक है कि जो हमारी ऐप डाउनलोड करेगा उसको 5-स्टार रेटिंग देगा, एंड जो यूनिक कमेंट करेगा, और जो कमेंट को हम नहीं जज करेंगे, आप खुद जज करोगे, जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक्स के ऑप्शन आएंगे वो 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर अमेजोन का हम एक उस कैटेगरी को देंगे। और सेकंड चेंज कि जो हम भी अपने फेसबुक अकाउंट पर जो भी पिक्चर या वीडियो वगैरह अपडेट करते हैं, जो उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा फेसबुक पर हमारे पेज में, सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा, एक जो टॉपिक्स रहेगा पूरे मंथ में वो भी 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर, एंड थर्ड जो हमारा वीडियो यूट्यूब पर फर्स्ट कमेंट जो पहले चलता था, फर्स्ट कमेंट ऑफ यूट्यूब और पेज FB पेज पर जब सबसे ज़्यादा कमेंट, एंड द थर्ड हमारा ऐप डाउनलोड प्ले स्टोर पर जाकर कीजिए, 5-स्टार रेटिंग दीजिए एंड यूनिक कमेंट कीजिए, एंड वो कमेंट जो आप सबसे ज़्यादा लाइक करोगे, जिसको ज़्यादा थम्स अप मिलेंगे, वो कैटेगरी होगी। तीनों कैटेगरी में 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर एवरी एंड ऑफ दिस मंथ। मैनी 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 थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें ज़रूर थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई विचार समझ नहीं आ रही, या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, और हमें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।